मध्य प्रदेश में ग्राम सहायक सचिव अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। रोजगार सहायक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम त्याग पत्र सौंपने को लेकर बैठक की। प्रदेश भर में ग्राम सहायक सचिव अपनी मांगे पूरी ना होने को लेकर सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसी के चलते सिंगरौली में रोजगार सहायक संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम त्याग पत्र सौंपने को लेकर बैठक की। इस बैठक में वेतन वृद्धि, नियमितीकरण जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में सहायक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रमाकांत बैस ने कहा कि हम लोगों को सिर्फ सरकार की तरफ से झूठा दिलासा दिया जाता है। आज तक हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिससे हम समस्त रोजगार सहायक एक साथ त्याग पत्र देने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके लिए हमने आज बैठक की है, जिसमें हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। ब्लॉक अध्यक्ष ने रोजगार सहायकों के काम गिनाते हुए कहा कि रोजगार सहायकों ने कोरोना काल में अपने प्राणों की बाजी लगाकर सरकार के हर आदेश निर्देश का पालन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। कोरोना से जीत दिलाने में रोजगार सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, फिर भी ये सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। हमारी लगभग 7 वर्षों से मानदेय को बढ़ोतरी को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के हम लोग कई बार विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं और हमारी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, हमारी बातों पर विचार नहीं हो रहा है। आज 6-7 साल हो गए, एक भी पैसे हम लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। बार बार हम सबको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए हम लोग व्यथित होकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम इस्तीफा लिखने के लिए एकत्रित हुए हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।